在。रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रुद्रपुर तहसील के राजस्व लिपिक को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने 2000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा, वही राजस्व अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई में पुलिस जुट गई। वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एंटी करप्शन टीम ने 2000 लेते रिश्वत लेते पकड़ा है, वही राजस्व अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरी तरीके से विधिक कार्रवाई में जुट गई। रुद्रपुर तहसील के राजस्व लिपिक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि रामचरित मानस पर विवादित बयान दिया था, इसके चलते उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर को दर्ज किया गया है। वही शहजाद के शिवेंद्र मिश्रा ने एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि रामचरित मानस पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। शामली से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जब पूर्व मंत्री सुरेश राणा कोर्ट में पेश हुए हैं। बता दें कि 2013 के मुकदमे में पूर्व मंत्री की कोर्ट में पेशी की गई है। वैशामली में धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया गया था। बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। वहीं पुलिस ने सुरेश राणा के खिलाफ केस को दर्ज किया था। बता दें शामली से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा आज कोर्ट में पेश हुए हैं। वहीं 2013 के मुकदमे में पूर्व मंत्री की कोर्ट में पेशी की गई है। बताते चले कि धरना प्रदर्शन कर हंगामा उन्होंने किया था। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। एक और बड़ी लखनऊ की खबर आ रही है, जहां मंत्री एके शर्मा ने मोबाइल बैंकिंग का उद्घाटन किया है। बताते चले कि फ्लैग कर मोबाइल बैंकिंग वैन को रवाना किया गया। एक प्राइवेट बैंकिंग वैन को एके शर्मा ने रवाना किया है। बता दें कि मंत्री एके शर्मा ने मोबाइल बैंकिंग का उद्घाटन किया है। लखनऊ में बड़ी और अहम खबर सामने आ रही, जहां फ्लैग ऑफ कर मोबाइल बैंकिंग वैन को रवाना किया गया है। एक प्राइवेट बैंकिंग वैन को एके शर्मा ने रवाना किया है। वही लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का बयान पूरी दुनिया पूरा देश आज देख रहा है। बता दें कि कॉन्क्लेव में विद्यालयों के शिक्षाविद का स्वागत किया गया है। वही दुर्गा शंकर हिंदुस्तान कैसे तमाम पचल पर काम कर रहे हैं। बताते चले कि दुनिया पूरा देश आज यह देख रहा है। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का बयान पूरी दुनिया और देश आज देख रहा है। वही कॉन्क्लेव में विद्यालयों के शिक्षाविद का स्वागत, दुर्गा शंकर हिंदुस्तान कैसे तमाम पचल पर काम कर रहे हैं। माध्यम से हम इसको साबित करेंगे, हम गुलामी के वो तमाम सारी जो हमारी बंधन है, गुलामी के बंधन है, जिन बंधनों के आप शिक्षाविद है, आप जानते हैं कि कितने सारे गुलामी के बंधनों से पदे पड़े हुए हम लोग, उन सारे बंधनों को तोड़ते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान तो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, हिंदुस्तान विश्वगुरु कहलाता था, हिंदुस्तान के बारे में लोग तरसते थे, गायंत देवा खिल गई तकामी धन्यात्मे भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा चतहिर बुद्ध। आप सोचे इस प्रकार की प्रार्थना लोग करते, स्वर्ग के देवता भी यहाँ पे आने के लिए तरसते थे। हमारे यहाँ तो जितनी सारी सभ्यताएं, भगवान राम कृष्ण बौद्ध बुद्ध जैन सारे के सारे सब यहीं पे इसी धरती पे आए और यहीं पे आगे के उन्होंने दुनिया को तमाम कार्य संदेश दिए। तो ऐसे भारत को हम जब विकसित भारत के लिए अगले 25 साल के लिए चलेंगे, तो हमें दूसरों से सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि क्या चीज है जिसकी वजह से हम सब आगे निकल गए।
वहीं बेंगलुरु से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैस सेक्स का रुपये उड़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि केआर मार्केट के फ्लाईओवर से रुपये बरसाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं डोज लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई है। बेंगलुरु से बड़ी और एक अहम खबर सामने आ रही, जहां गैस सेक्स का रुपये उड़ाते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बताते चले कि केआर मार्केट की फ्लाईओवर से रुपये बरसाते हुए सेक्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पर रुपये बीनने के लिए लोगों की भीड़ का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।